हेलो अस्सलाम वालेकुम, जवेरिया लाइफस्टाइल एंड फूड ब्लॉग से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मानी पुलाव मच्छी पुलाव बना रहे हैं, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये रेसिपी जो है वो मेरी भाभी बना रही हैं, तो इसके लिए हमने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इसको एक कप ऑयल में हम फ्राई कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ ही जो है वो हम साबित गर्म मसाला जो ऐड कर रहे हैं, उसमें 3 तेज़ पत्ता है, कड़ी पत्ते डाले हैं हमने 8 से 10, और क्या क्या डाल रही हैं आप? थोड़ा ब्राउन करें प्याज को, थोड़ा सा हम कुक करेंगे थोड़ा ब्राउन हो जाए। और इसके साथ हमने तेज़ पत्ता, कड़ी पत्ता और साबित गरम मसाला ऐड किया। दिखाओ साबित गरम मसाला क्या है। अच्छा, साबित गरम मसाला में आलू बुखारा है, 1 टीस्पून जीरा है, बादियान है, दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्च है। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने निकाल कर रखी, वो भी हमने साथ साथ ऐड कर दिए। अच्छा, ये देखें अब 2-3 हरी मिर्च जो है ये भी डाल रहे हैं साबित, ताकि इसको भी जो है इसके साथ ही फ्राई कर लिया जाए और उसकी थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू जो है वो इसमें ऐड हो जाए। अच्छा, इसके लिए जो मसाला तैयार किया जाएगा उसमें 3 से 4 टमाटर हैं और 10-12 हरी मिर्चें हैं। इनको जो है वो ब्लेंडर कर लेते हैं अच्छे से 1/2 कप पानी के साथ, और ये मसाला जो है वो हम ग्रेवी में जब हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ जो है फिर हम फिश जो है वो आप चाहे सारिन लें या पापलेट लें, जो आप चाहें। तो हमने सारिन फिश ली है 1 किलो, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अभी हम टमाटर और हरी मिर्च जो है इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। प्याज देखें हमारा 1/2 जो है वो फ्राई हो गया है, अभी भी इसे कुछ देर फ्राई करें ताकि इसका कलर जो है वो गोल्डन आ जाए। प्याज देखिए हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है, इसमें हम आलू जो है वो भी साथ फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इसे 2 मिनट अच्छे से फ्राई करें, फिर इसके बाद टमाटर और जो हरी मिर्च हमने पेस्ट बना कर रखा है वो भी ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भी 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। और इसका मसाला कुछ देर कुक करके इसमें जो है फिश के पीसेज जो हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे शोरबे में, ताकि वो भी थोड़ा कुक हो जाए। फिर इसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ऊपर से रखेंगे दम पर डाल। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिए। साथ ही टमाटर का और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें सौंफ और धनिया की पोटली डलेगी? अच्छा, सौंफ और धनिया जो है वो इसमें नहीं डलेगा। इसे कुछ देर कुक करेंगे, फिर इसमें सॉल्ट जो है वो भी हम इसमें 1 टीस्पून इस भी रायका इसमें ऐड कर देंगे। और हरा धनिया पुदीना भी जो है वो 1/2 बंच ऐड करें। और फिश के पीसेस जो हैं वो भी अभी इसमें हम डाल देंगे दम पर। फिश जो है वो हमने सारिन फिश ली है, ये 1.5 केजी की फिश थी जिसको सफाई करवाने के बाद 1.25 केजी होगी तकरीबन। और इसके पीसेस को हमने नमक और जो है लेमन जूस लगा कर रखा था, और इसके बाद अब इसको हमने विनेगर के साथ धो लिया अच्छे से। और अब इसको जो है हम इसी पुलाव के मिक्सचर में जो मसाला हमारा भुन रहा है उसमें हम एक एक करके बारी बारी पीसेस डालेंगे और 5 से 10 मिनट इसे बस पकाना है हमने, और फिर इस फ्राई किए हुए पीसेस को हम बाहर निकाल लेंगे। मसाला देखें हमारा भुन रहा है और साथ साथ सिमर भी हो रहा है, आलू भी इसी में कुक हो रहे हैं। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट हम ऐड करेंगे। मसाला देखिए हमारा कुक हो रहा है, इसमें हमने जो है 1 कप दही जो है फेंटा हुआ लिया है, दही हमने इसमें 1 कप ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हमारी जो सारम फिश है जिसको हमने अच्छे से वॉश करके रखा है उसके पीसेस को हम कुछ कुछ फासले पर डाल देंगे और इसे कवर करके 5 से 10 मिनट इसी पानी में पकाना है। हमने मज़ीद वाटर जो है वो इसमें ऐड नहीं करना, और इसे जो है आप 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दें। जब ये अच्छे से कुक हो जाए, फ्राई हो जाए, तो फिर आप इन पीसेस को जो है वो बाहर निकाल लें, ताकि आप लास्ट सर्विंग के वक्त जो है वो इसे चावलों को दम पर डाल सकें। ये देखें सारी फिश जो है वो हमने कुछ कुछ फासले पर डाल दिए। अब इसे ज़रा सा शोरबे में मिक्स करें और इसको जो है वो कवर करके आप कुछ देर के लिए रखें। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और फिश के साइड जो है वो हमने ऊपर नीचे करके थोड़े से चेंज कर दिए,
ताकि ये टूटे ना और आराम से पके। ठीक है, अभी भी हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। फिर इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड करेंगे। फिश के पीसेस जो है वो बाहर निकाल लेंगे। आप चाहें तो फिश के पीसेस को ऊपर से जो है वो दम पर रख सकते हैं, और अगर चाहें तो इसी तरीके से पका लें, लेकिन मैं इसे निकाल लूँगी बाहर। और फिर जो है वो हम अपने भिगे हुए राइस जो हमने 3 कप भिगो कर रखे हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। फिश के पीसेस जो है वो देखिए हमने निकाल लिए हैं शोरबे से बाहर, और इसे जो है हम दम पर डालेंगे। और ग्रेवी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। इसमें 2 गिलास पानी भी हमने ऐड किया है, और अपने भिगे हुए चावल जो है वो भी अब जो है इसमें 3 कप जो चावल है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और चावलों के हिसाब से जो है नमक भी इसमें ऐड कर दें, और इसे कुछ देर तेज़ आंच पर पकाएं, फिर इसे दम पर रख दें। चावल देखिए हमारा दाना जो है वो दम पर आ गया है। उसको जो है फिश के पीसेस मैंने रख दिए हैं, और ऊपर से थोड़ी सी जो है फ्राई प्याज जो है वो स्प्रिंकल कर दें। और इसे मैं कवर करके रख देती हूँ।